स्वप्नट रीठा जो है, अब इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं और इसकी एक्सट्रैक्शन के स्टेप्स वगैरह आप वो भी देख लेंगे। इनको इंडियन सोप बेरीज भी कहा जाता है, रीठा, और अरेबिक नेम भी इसके हमने यहाँ मेंशन कर दिए हुए हैं। इसके बायोलॉजिकल बोटेनिकल नेम को डिस्कस कर लें, और फैमिली इसकी स्पाइंडियाइसी, और जीनस स्पाइंडस, और इसकी स्पीशी स्पाइंडस मैक्रोसी जो है वो इसको कहेंगे हम। और इसका जेनेरिक नेम जो है, द जेनेरिक नेम इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सेपो मीनिंग सोप एंड इंडिकस मीनिंग इंडिका, दैट्स वाई इसको इंडियन सोप बेरीज भी कहा जाता है। इसके सोप नट के बेनिफिट्स की अगर बात करें तो हमने एक लिस्ट डाउन किए हैं 15 बेनिफिट्स इसके सोप नट एक्सट्रैक्ट के, स्किन और हेयर के ऊपर और हेल्थ के ऊपर भी हैं। वर्क्स एज क्लेंजर और इट बूस्ट योर कम्प्लेक्शन, कम्प्लेक्शन को काफ़ी बूस्ट करता है। कैन बी यूज एज फेस वॉश। अब हमने चूंकि एक्सट्रैक्ट इसके निकाल लेने हैं तो उसको मुख्तलिफ फॉर्मुलेशन में इस्तेमाल करेंगे। एलर्जी फ्री प्रोडक्ट्स आप तैयार कर सकते हैं, प्रिवेंट मैनी स्किन डिजीजेज, स्टॉप हेयर फॉलिंग, हेयर फॉलिंग में इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है। गिव अ शाइनी एंड स्टनिंग हेयर लुक। वर्क्स एज द हेयर कंडीशनर और नेचुरल हेयर कंडीशनर है, बहुत अच्छा। प्रिवेंट ड्राई हेयर, प्रिवेंट स्प्लिट एंड्स, बालों के जो स्प्लिट एंड्स होते हैं उनको ये रोकेगा। इजेक्ट आउट इन्फेक्शियस पॉइजनस मटेरियल्स, हेल्प इन प्रिवेंटिंग बैड हैबिट्स, प्रिवेंट ट्यूमर सेल ग्रोथ। ये तो इंटेक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे इसके इफेक्ट्स हैं। हील्स दी सोराइसिस एंड एक्जिमा, ये स्किन के इश्यूज़ के, और हिस्टीरिया, एपिलेसी एंड एस्थमा, उसमें भी ये तीनों बड़ी जो डिजीज़ हैं इनमें भी इसकी बेनिफिट्स हैं। अभी जो हमारी रिसेंट जो वर्किंग है वो चूंकि नेचुरल डिटर्जेंट्स के ऊपर है, फॉस्फेट फ्री डिटर्जेंट हमने डिज़ाइन करना है, दैट्स वाई एक्सट्रैक्शन में हम सोपनट के एक्सट्रैक्ट को पार्शली सेपरेट भी रखेंगे और फिर बाकी जो हर्ब्स हैं उनके साथ इसको मिक्स भी करेंगे। तो सोपनट का जो एक्सट्रैक्ट है ये नेचुरल डिटर्जेंट है, और सोपनट नट्स आर इंडियन सोप बेरीज हैव बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर इन रिसेंट ईयर्स फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। दे आर अमेजिंग नेचुरल डिटर्जेंट ड्यू टू दी नेचुरल क्लेंजिंग एसेंस दैट इज़ कंटेंट इन देयर शेल। जो इसकी शेल के अंदर एक ख़ास मटेरियल है जो आगे स्लाइड में इंशाल्लाह हम डिस्कस भी करेंगे, उस वजह से ये एक बहुत अच्छा डिटर्जेंट है, फॉर्मिंग इससे होती है, क्लीनिंग बहुत है। जी, जो सोपनट शेल्स हैं उसके एक्सट्रैक्ट से, जैसे भी हमने डिस्कस किया कि एक सर्फेक्टेंट होता है, ये नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट है जिसको सेपोनिन कहते हैं, वो हमने इसके नट शेल नट जो हैं उनकी एक्सट्रैक्शन से, स्पाइंडस मैक्रोसी से ये एक्सट्रैक्ट निकलेगा जो कि नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट की कैटेगरी में आएगी, इसको सेपोनिन्स कहते हैं। सेपोनिन्स कंस्टिट्यूट अ वैरायटी एंड केमिकली डाइवर्स ग्रुप ऑफ कंपाउंड। इसके अंदर अब हमें इसके वो एस्पेक्ट जो कि किसी भी एक डिटर्जेंट के अंदर पाए जाते हैं, उसके दो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, एक में कोई वाटर सॉल्युबल कोई एंड होता है और एक ऑयल सॉल्युबल होता है। सोपनट्स डिराइव्ड सेपोनिन्स आर मोस्टली यूज्ड इन डिटर्जेंट्स ड्यू टू इट्स एम्फीफिलिक नेचर, एम्फीपैथिक भी कहते हैं, एम्फीफिलिक नेचर, विद द प्रेजेंस ऑफ लिपिड सॉल्युबल एग्लाइकोन एंड वाटर सॉल्युबल चेन्स इन देयर स्ट्रक्चर। जैसे ये स्ट्रक्चर में भी हमें नज़र आ रहे हैं और नेक्स्ट स्लाइड में भी हम इसको एक्सप्लेन कर लेंगे कि लिपिड सॉल्युबल जो केमिकल्स होते हैं और वाटर सॉल्युबल किसी डिटर्जेंट के अंदर उनकी प्रेजेंस क्यों ज़रूरी है। और लाजिम बात है कि बहुत से जो डिटर्जेंट का मकसद ही यही है कि ऑयल और जो वाटर है उसकी आपस में इंट्रैक्शन अच्छी होगी तो उससे सफाई ज़्यादा अच्छी होगी। जी, एम्फीफिलिक या एम्फीपैथिक जो नेचर है उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि अब ये व्हाट इज़ बेसिकली एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल्स, अ मॉलिक्यूल हैविंग बोथ हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर एंड हाइड्रोफिलिक पोलर रीजन्स। के हाइड्रोफोबिक भी होगा यानी कि पानी को रिपेल करेगा, और हाइड्रोफिलिक भी होगा कि उसकी पानी की तरफ एफिनिटी होगी। तो अब द क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ सोप और डिटर्जेंट सच एज सोडियम डोडिसाइल बेंजीन सल्फोनेट, जैसे ये हम पिक्चर में भी शो कर रहे हैं, रिक्वायर द मॉलिक्यूल ऑफ टू हैव बोथ द हाइड्रोफोबिक रीजन, जो रेड में शो हो रहा है ये हाइड्रोफोबिक रीजन है, और जो ब्लू में शो हो रहा है ये इसका हाइड्रोफिलिक रीजन है।
अब ये चूंकि एक मिसाल हमने दे दी सोडियम डोडिसाइल बेंजीन सल्फोनेट की, जो कि एक डिटर्जेंट है, उसके अंदर जैसे दोनों एस्पेक्ट्स मौजूद हैं तो उस वजह से ये एक बहुत अच्छा सर्फेक्टेंट है। तो इस ही तरह जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया कि सेपोनिन के अंदर भी ये दोनों एस्पेक्ट्स हैं, हाइड्रोफोबिक नेचर भी मौजूद है उसमें और हाइड्रोफिलिक नेचर भी मौजूद है। और इसमें सबसे बेहतर जो सबसे अच्छी जो बात है, द बेस्ट थिंग इज़ दैट इट कैन बी द सब्स्टिट्यूट ऑफ मेनी सिंथेटिक क्लीनिंग प्रोडक्ट्स सच एज मेड विद SLS, सोडियम लॉरिल सल्फेट से SLS से जो बनते हैं उनकी रिप्लेसमेंट है। ये एक बहुत अच्छी बात हम बताने जा रहे हैं कि सल्फेट एंड फॉस्फेट फ्री जो हमारे जो डिटर्जेंट्स हैं, ये बेसिकली हम सल्फेट फ्री की बात कर रहे हैं कि सल्फेट के बगैर भी, जैसे कि सोडियम लॉरिल एथर सल्फेट्स हैं, तो सल्फेट के बगैर भी हम कैसे अपना प्रोडक्ट जो है वो क्लीनिंग का प्रोडक्ट, कोई भी डिटर्जेंट जो है उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। एक्सट्रैक्शन अब सेपोनिन की, इट्स वेरी सिंपल। मटेरियल को हमने लिया और उसको पानी के अंदर हमने डिप करना है, ओवर नाइट छोड़ना है, ओवर नाइट छोड़ के फिर उसकी बॉइलिंग करनी है, फिर उसकी फिल्ट्रेशन है। ये सारे स्टेप्स आपको नेक्स्ट इंशाल्लाह अभी प्रेजेंटेशन के हिस्से में आपको नज़र भी आ जाएंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ जो हमने समझानी थी, जो हम डिस्कस करना चाह रहे थे, वो ये है कि हमने सॉलिड लिक्विड रेशो क्या रखनी है। ये 1:10 होगा। 1:10 के लिए इसका मतलब ये होगा 10 ग्राम अगर हम शेल ले रहे हैं तो 100 ml पानी लेंगे। तो अकॉर्डिंगली हमने इसको, अगर बड़ी क्वान्टिटी में शेल ज़्यादा हैं तो पानी उससे 10 times ज़्यादा ही लेंगे और उससे फिर हमें अच्छी एक्सट्रैक्शन हो जाएगी। जी, अब चूँकि सल्फेट फ्री डिटर्जेंट की फॉर्मूलेशन को डिस्कस कर रहे हैं, तो पहले थोड़े से सल्फेट बेस्ड जो डिटर्जेंट्स यूज़ हो रहे हैं मार्केट में, उसके डिसएडवांटेजेस जो हैं वो हम देख लेंगे, एनवायरनमेंट के ऊपर इनका कितना बुरा इफेक्ट चल रहा है। सल्फेट इन डिटर्जेंट्स कैन लीड टू द फ्रेश वाटर एल्गल ब्लूम्स दैट रिलीजेस टॉक्सिन्स एंड डिप्लीट ऑक्सीजन इन वाटरवेज। जो जितने भी हमारे पानी के वाटर बॉडीज़ हैं, लेक्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, पॉन्ड्स हैं, उनके अंदर अगर कंटेमिनेशन होगी सल्फेट बेस्ड हमारे डिटर्जेंट्स की, तो उससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा एल्गल ब्लूम्स आएंगी। एल्गा उसके वाटर सरफेस के ऊपर बहुत ज़्यादा उसकी कॉलोनीज जो हैं वो ग्रो करेंगी, और उससे लाजिम बात है कि उन्होंने जो ऑक्सीजन को उन्होंने कंज्यूम करना है, और ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगी तो उससे जो वहाँ फ्लोरा एंड फौना है, जो मछलियाँ वगैरह हैं, उनके लिए जो उसके अंदर उनकी उनके लिए जो ज़रूरी मिनरल्स हैं उनकी डिप्लीशन होगी, ऑक्सीजन की डिप्लीशन होगी, तो उससे एक एक्वेटिक लाइफ का बैलेंस जो वो डिस्टर्ब होगा। व्हेन एल्गी डिकम्पोज दे यूज़ अप ऑक्सीजन अवेलेबल फॉर एक्वेटिक लाइफ, जो हम डिस्कस कर चुके हैं एल्गल ब्लूम से, दिस लीड्स टू द यूट्रिफिकेशन ऑफ द हार्मफुल एल्गल ग्रोथ। तो ये इसको यूट्रिफिकेशन कहा जाता है कि जितनी अक्सर हम देखते हैं कि पॉन्ड्स के ऊपर एक थिक लेयर ग्रीन एल्गा की आ जाती है, तो उससे लाजिम बात है कि जितनी भी हमारी एक्वेटिक लाइफ है वो उसकी उसके लिए थ्रेट होगा। सल्फेट डिटर्जेंट्स कैन हैव पॉइजनस इफेक्ट इन ऑल टाइप्स ऑफ द एक्वेटिक लाइफ इफ़ दे आर प्रेजेंट इन सफिशेंट क्वान्टिटीज। अगर इनकी क्वान्टिटीज ज़्यादा होगी तो उससे भी ये हमें इशूज इसके आएंगे। डिटर्जेंट डिस्ट्रॉय द एक्सटर्नल म्यूकस लेयर दैट प्रोटेक्ट्स द फिश फ्राम बैक्टेरिया एंड पैरासाइट्स। उसकी जो म्यूकस लेयर है उसको ये डैमेज करते हैं सल्फेट्स, प्लस दे कैन काज सीवियर डैमेज टू द गिल्स। तो लाजिम बात है वो एक जब उनके गिल्स इफेक्ट होंगे तो उनका ऑक्सीजन इनटेक कम हो जाएगा, और इसकी अगर मैक्सिमम जो लिमिट इसकी सल्फेट्स की अगर 15 ppm तक पहुंच जाएगी तो वो फिश वगैरह के लिए वो भी किलिंग होगी, और सर्फेक्टेंट्स आर इम्प्लिकेटेड डिक्रीजिंग ब्रीडिंग एबिलिटी इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। और इतने ही जो डिटर्जेंट्स वगैरह का स्पिलेज है उससे लाजिम बात है ब्रीडिंग जब इफेक्ट होगी। जी, स्लाइड में यूट्रिफिकेशन को दोबारा से एक्सप्लेन किया गया है कि जैसे लेफ़्ट साइड पे हमें नज़र आ रहा है कि हेल्दी वाटर लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो कैसे अपने एक साफ़ सुथरे माहौल में मौजूद हैं। फ्रेश वाटर एंड नेचुरल बैलेंस बिटवीन वाटर ऑर्गेनिज्म, ऑक्सीजन, एल्गी एंड न्यूट्रिएंट्स, इनफ सनलाइट फॉर
वाटर प्लांट्स, जितने नीचे वाटर प्लांट्स हैं ये फ्लोरा है और फौना नीचे भी जितने भी हमें नज़र आ रहे हैं इसके अंदर एक्वाटिक एनिमल्स, इन दोनों के लिए ऑक्सीजन भी इनफ है, न्यूट्रिएंट्स भी इनफ हैं और सनलाइट भी इनफ है, तो जो इनका लाइफ बैलेंस जो है, लाइफ साइकिल का बैलेंस चल रहा है, नेचुरल बैलेंस में इस वक्त नज़र आ रहे हैं। मगर राइट साइड पे डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट आ गया, यूट्रोफिकेशन डेड जोन बन गया, एक्सप्लोसिव एल्गल ब्लूम हमें जैसे उसके टॉप पे नज़र आ रहा है कि अब वो उसके अंदर ग्रीन एल्गा की एक लेयर ऊपर से आ रही है ड्यू टू एक्सेस न्यूट्रिएंट कमिंग फ्रॉम नाइट्रोजन एंड फास्फोरस एंड सल्फेट ऑक्सीजन कंजम्पशन। तो जिससे ये सारे जितनी भी डिटर्जेंट्स हैं उनमें से ये चीज़ें एक्सेस मिकदार में जब आ रही हैं तो उससे न्यूट्रिएंट्स जो हैं उसका बैलेंस डिस्टर्ब हुआ, सनलाइट ऊपर से उनको मिलनी कम हो गई, तो उसमें जो नेचुरल केमिकल साइकिल है वो डिस्टर्ब हो गया और जो उसका हैबिटेट है उसकी डिस्ट्रक्शन हो गई, उनका रहने की जगह जो थी वो जो है वो उनके लिए सूटेबल नहीं रही। सोपनट रिठा, अब इसको हम इसकी एक्सट्रैक्शन के जो स्टेप्स हैं उनको अभी शुरू कर रहे हैं और इस वक्त हमारे पास जो इसका वेट मौजूद है उसको देख लेते हैं। ये थ्री एटी इसको हम समझ लेते हैं। और अब इसको हमने 1:10 जब हमने कहा था तो 1 ग्राम 10 ग्राम पानी में, ऐसे ही 10 ग्राम 100 ग्राम पानी में हमने ये डिज़ोल्व करने थे। तो हमारे पास इस वक्त जितने ये सोप नट मौजूद हैं इन सबको हम इसमें पानी में डिप कर लेते हैं। और अब ये 384 ग्राम या 382 ग्राम जिसमें ये फ्लक्चुएट कर रहा है, अब इसमें हमने जो पानी डालना है वो 3.84 लीटर, यानी कि 4 लीटर से थोड़ा सा कम पानी अब हमने डालना है। अब हम उसकी मेजरमेंट कर लेते हैं पानी की। जी, अब इसमें पानी अब हम डाल लेते हैं। जी डालें। अब थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता डालें, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। जी, अब आपको ये 3.38 38 जी वो डालें। जी वो डालें, वो डालें। जी बस 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 बस, ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा कम कर लें, थोड़ा सा कम कर लें। जी बस ठीक है, बस ठीक, अप्रॉक्सीमेटली ये ठीक हो गया। जी, अभी सोपनट रीठे जो हैं अब इनको हमने ओवरनाइट इसमें डिप करके छोड़ देना है, ये ओवरनाइट इसको हमने डिप करके छोड़ देना है और नेक्स्ट स्टेप इंशाल्लाह इनको फिर बॉइलिंग पे हम इंशाल्लाह लगा देंगे और नेक्स्ट स्टेप इंशाल्लाह खराब कर देंगे। जी, ये ओवरनाइट हमने जो डिप करके रखे थे अब इनको थोड़ा सा क्रश कर लेते हैं, चूँ सॉफ्ट हो गए हैं ये पानी में, अब इनको हम क्रश करेंगे तो इनकी पानी के अंदर बॉइलिंग में एक्सट्रैक्शन इनकी अच्छी हो जाएगी। जी, अब इनको हम क्रश कर रहे हैं और इनको ज़्यादा क्रश हमने नहीं करना कि हम पल्प वगैरह जो है उसकी उसको निथारने में, फिल्टर करने में हमें प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से हल्का सा इसको क्रश कर लेंगे कि इनकी एक्सट्रैक्शन अच्छी हो। वैसे भी अभी ये अच्छी एक्सट्रैक्शन कुछ हो भी चुकी हुई है।
इसको बॉइलिंग के लिए अब हम रख देंगे जी। अब इसको हम बॉयल करने के लिए छोड़ देते हैं इस पर, और इसकी बॉइलिंग हो जाएगी तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इसकी बॉइलिंग करेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद भी कर लेंगे जी। ये रीढ़े जो हैं उनको एक बॉइलिंग आ गई थी, तो अब उसको हमने मज़ीद मैश कर लिया, और अब इसको इंशाल्लाह मज़ीद इसमें पानी जो हमने ये एक्सट्रैक्ट निकाल लिया है वो दोबारा इसमें डालेंगे, और दोबारा डाल के इसको फिर इंशाल्लाह बॉइलिंग के लिए एक्सट्रैक्ट के लिए फिर इसको रख देंगे। ये थोड़े से स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स से इसको करना पड़ेगा, लेकिन इंशाल्लाह ये अच्छी एक्सट्रैक्शन है। फिल्टर कर लेते हैं, और ये हमने एक छन्नी रखी और उसके ऊपर ये मलमल का बारीक कपड़ा दे देते हैं, और इसको अब हम जी ऐसे कर लें। ले ये सोप नट रीठा जो है उसका एक्सट्रैक्ट पहले निकाल लेते हैं। जी इसको हाथ मार के ना साफ कर लें, क्योंकि जो हमारी छन्नी थी उसमें भी जाली डबल लगी हुई थी, ऊपर कपड़ा भी है। हमारी पूरी कोशिश है कि इसमें पल्प कम से कम जाए। एक्चुअली जब हम स्टीम डिस्टिलेशन करते हैं तो उसमें तो पल्प बिल्कुल नहीं आता, उसका सिर्फ रस ही आता है, लेकिन चूँकि हम एक अपने मेथड से जो इजीली अवेलेबल हमारे पास था उससे ही इसको भी करने की कोशिश कर रहे हैं। मज़ीद मेक श्योर करने के लिए कि हम ये बीकर के ऊपर डबल करके इस कपड़े को भी हमने डाल दिया, और जो फ़िल्टर अभी हुआ था उसको दोबारा इसमें से पास करेंगे। ये एक एग्जास्टिव किस्म की प्रैक्टिस है ये ज़रूर, लेकिन चूँकि अगर एक फैसिलिटी किसी के पास नहीं तो ये हम दिखाना चाह रहे थे कि किन स्टेप्स से आप इनको फ़िल्टर कर सकते हैं जी। इसको निचोड़ लें दोबारा, जैसे भी आपने इसके बीज निचोड़े थे, कोशिश कीजिएगा कि बाहर ना गिरे, उठाएं इसे। अभी भी आप महसूस करेंगे काफ़ी पल्प इसमें से अभी भी निकलेगा ये जी। अब ये आपको प्रिजर्वेटिव इसमें फॉर्मेलिन 0.5% हम लगा सकते हैं, और ये तकरीबन कोई 1200 ml है, तो अभी हम अप्रोक्सीमेटली इसके अंदर इसको अप्लाई कर लेते हैं फॉर्मेलिन को। फॉर्मेलिन इसमें हमने सोचा से दी क्या कि चूँकि हमने इसको एक्सट्रैक्ट को प्रिजर्व करना है, और कुछ इसकी लाइफ जो है वो मौजूद रहे, ये ख़राब ना हो, उस वजह से हमने फॉर्मेलिन इसमें ऐड कर लिया, कि चूँकि जैसे प्रोडक्ट में यूज़ करना है हमने तो वहाँ भी हमने इसमें ज़रूर लगाना है प्रिजर्वेटिव, लेकिन एक्सट्रैक्ट हमारा ख़राब ना हो उसके लिए। जैसे नाज़रीन आपके सामने अभी प्रेजेंटेशन में आ गया कि कैसे एनवायरनमेंट के चैलेंजेस हैं डिटर्जेंट के यूज़ से, जैसे यूट्रिफिकेशन वगैरह, और ये सारे प्रॉब्लम्स आप देख चुके हैं कैसे फ्लोरा एंड फौना जो है वो उससे इफ़ेक्ट हो रहा है। तो फिर हमने ये सोचा कि व्हाई नॉट
कि हम भी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करने की कोशिश करें, तो उसके लिए फिर एक फॉस्फेट फ्री फॉर्मुलेशन जो है वो उसके ऊपर होमवर्क किया, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके सामने कि कैसे नेचुरल चीज़ें जो हैं उनको इस्तेमाल करके हम कोई अपना डिटर्जेंट जो है उसको तैयार करें, और बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल है ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया जा सकता है जिसके अंदर हम एज़ मिनिमम एज़ पॉसिबल जो है वो इन्वायरमेंट के ऊपर जिसके कोई स्ट्रेस वगैरह आए, कोई इश्यूज़ आए, और ऐसे बिल्कुल अगर हम सोशली रिस्पॉन्सिबल होकर चलें तो हमारे पास चीज़ें पॉसिबल हैं जिनको हम नेचुरली और वैसे भी सिंपल लाइफस्टाइल और जो एशंट लोग थे, इससे पहले के लोग थे, वो अपनी एक सिंपल लाइफस्टाइल की वजह से इस प्लेनेट को बिल्कुल साफ ही रखा हुआ था। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और विद ड्यू अपॉलोजी और थोड़ा सा नाराज़गी का इज़हार एक हमारे दोस्त मुझे इस फोरम पे बात तो नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन चूँकि मुझे बहुत ज़्यादा इस बात ने हर्ट किया कि हम अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या कर रहे हैं। हमारा एक दोस्त किसी फेसबुक ग्रुप में भी मैं उसकी बार बार एक मरतबा से ज़्यादा मरतबा उसने अपनी ये एक वीडियो लगाई, और मेरा जी चाह रहा था कि इसको रिपोर्ट किया जाए, बल्कि रिपोर्ट किया कि एक कंप्लेंट चला के इसके खिलाफ़ रिपोर्ट किया जाए उसे, लेकिन मैंने बहरहाल वो नहीं किया, मुझे इतना वो मुनासिब नहीं लगा। लेकिन मैं बता देता हूँ, अगर वो भाई उन तक मेरी आवाज़ पहुँचे तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम, ऐसा मुनासिब नहीं है। वो एक नेचुरल स्ट्रीम पे अपने वाशिंग पाउडर का एक साशे उसको ये परफॉर्म करके दिखा रहे हैं किस पे एक नेचुरल स्ट्रीम, एक पहाड़ से एक झरना आ रहा है खूबसूरत, और वो झरना नीचे वादी की तरफ जा रहा है। तो उसने एक छोटा साशे खोला और उस झरने में उसको बहा दिया, और ये उसने साबित किया कि देखो मैंने एक साशे से मेरे वाशिंग पाउडर में कितनी ज़्यादा फॉर्मिंग है। और उसने पूरे झरने को, हालांकि बड़े फ़ख्र से वो भाई बता रहे थे कि देखो कितनी ज़बरदस्त किस्म की फॉर्मिंग मेरे इस प्रोडक्ट से है, दैट्स ओके, आपके प्रोडक्ट के अंदर जान है वो, लेकिन इसके और तरीके भी बड़े हैं कि आप एक नेचुरल रिसोर्स को ऐसा जो है वो पोल्यूट कर रहे हों कि एक नेचुरल आबशार है, एक झरना है, उसमें आपने वाशिंग पाउडर मिला लिया जिसके अंदर अभी ये सारे इंग्रेडिएंट आपके सामने, उनकी केमिस्ट्री और उनके प्रोज एंड कॉन्स और उनके प्रॉब्लम आ चुके। तो बिल्कुल नामुनासिब लगा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मैंने वहाँ पॉइंट आउट नहीं किया, लेकिन मैंने सोचा था कि किसी मुनासिब वक्त पे इस बात को पॉइंट आउट कर दूँगा। तो अगर वो भाई देख रहे हैं या नेक्स्ट टाइम अगर वो सोच रहे हैं वो दोबारा वो वीडियो डालने की, तो प्लीज़ ना वो वीडियो दोबारा ऐसा सोशल मीडिया पे डालें, और ना ऐसी कोई एक्टिविटी करें जो एनवायरनमेंट को नुकसान दे। और एडिशनली थोड़ी सी बात लंबी हो गई है, मतलब हम लोगों ने अपने प्लेनेट के साथ किया क्या है इसके लिए। अब हम सोचें, हम जाते हैं पहाड़ी इलाके में जाते हैं और बड़ी खूबसूरत वादियाँ, और उनमें जाके ट्रैश और जीप कचरा और शॉपिंग बैग और हर जगह गंद, और हर नदी नाले में हमें शापर नज़र आ रहा है और कचरा नज़र आ रहा है। तो भाई थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होकर चलना चाहिए। तो सॉरी बात लंबी हो गई। अभी हम जो एक्सट्रैक्ट था और जो आप सोपनेट सेपोनिन जो है, सोपनेट सेपोनिन, वो उसका एक्सट्रैक्ट, अब उसके अंदर हम बाकी चीज़ें ऐड करके हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप जो है वो इससे एक अच्छा क्वालिटी डिटर्जेंट भी बना सकते हैं, क्योंकि आपको इस वक्त विदाउट एडिंग एनीथिंग यू कैन फील कि इसके अंदर एक अच्छी सी झाग आपको ना नज़र आ रही है। ये आपको दिखाना था कि जिस कपड़े से हमने सिंपल रेठा को फिल्टर किया है उसमें सेपोनिन देखें इतना ज़्यादा था कि उसकी झाग कितनी ज़बरदस्त है, और इससे बालों के ऊपर भी बड़ा अच्छा इम्फेक्ट। और जो एक वीडियो हम उसकी नॉन फॉस्फेट की डिटर्जेंट की थी उसमें भी आप देख सकते हैं कि कितना कितनी अच्छी इसकी फॉर्मिंग और क्लीनिंग भी इंशाल्लाह इतनी अच्छी इसकी हो। ये सोपनेट जो एक्सट्रैक्ट है सेपोनिन, जिसमें हमने
तैयार किया। अब इसके अंदर एक थिकनर जो है सोडियम एल्गिनेट, ये 20 ग्राम हम ऐड कर देते हैं। 20 ग्राम सोडियम एल्गिनेट ये इस थिकनर इसमें काम देगा कि हमारा जो डिटर्जेंट है वो थोड़ा सा थिक हो जाए। जी ये फॉर्मिंग आपको अच्छी खासी अब इसमें नज़र आना शुरू हो गई है, थिकनर हमने इसमें डाल दिया। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ आते हैं, ट्राई सोडियम सिट्रेट, ये एक क्लेटिंग सिक्वेस्टरिंग एजेंट है, सिक्वेटिंग बिल्डर है और बफरिंग प्रॉपर्टीज़ हैं और वाटर सॉफ्टनर के तौर पे जो पानी की हार्डनेस वगैरह के साल्ट्स होंगे उसको इसने न्यूट्रलाइज करना है और उससे जो क्लीनिंग में रुकावट आती है उसको इसने दूर करना है। और ये जस्ट इस फॉर्मुलेशन में हमने ऐड करना है जस्ट 60 ग्राम सोडियम सिट्रेट, ट्राई सोडियम सिट्रेट। इसको भी डिसॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट इसमें इंग्रेडिएंट बोरेक्स, और बोरेक्स का फंक्शन भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। बोरेक्स भी क्लीनिंग इनहांसर है, जो डर्ट वगैरह डस्ट वगैरह उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा जितने भी फैब्रिक हैं उसमें से। और क्वांटिटी इसकी भी रीजनेबल सी है, थोड़ी सी हमने क्वांटिटी इसमें डालनी है और जस्ट 30 ग्राम। नेक्स्ट इसके अंदर पीएच बिल्डर के तौर पे हम सोडियम बाइकार्बोनेट डाल देंगे, जिससे जब ये पीएच को इन्हांस करेगा तो हाई पीएच पे हमारी क्लीनिंग अच्छी होगी। और सोडियम बाइकार्बोनेट इसमें 50 ग्राम हम ऐड करेंगे। फॉस्फेट फ्री डिटर्जेंट इस कंडीशन में है और ये तकरीबन एक फुल लोड जो उसका वॉशिंग मशीन का होता है उसमें तकरीबन ये 50 ग्राम हमें डालना पड़ेगा। और अच्छी क्लीनिंग चूँकि पेस्ट की शक्ल में है और सारे इंग्रेडिएंट्स इसके ऐसे हैं जिसका कपड़ों के ऊपर भी कोई असर नहीं होगा, इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंशाल्लाह ये ठीक होंगे और क्लीनिंग भी इंशाल्लाह इसकी अच्छी होगी। ये एक काम वाला कपड़ा है और इससे सफाई वगैरह करते रहे हैं हम, और इसके ऊपर अब आपको हम इसके क्लीनिंग इफ़ेक्ट दिखाएंगे कि ये अगर ये वाला प्रोडक्ट जो फास्फेट फ्री डिटर्जेंट जो है वो अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो उससे इसकी क्लीनिंग कैसे होगी। अब ये आपको एक लाइव डेमो इसका हम दिखा देते हैं। जी अब ये आपके सामने ये क्वांटिटी अप्लाई कर रहे हैं हम इस पर, और ये एक चम्मच बस काफ़ी है। अब इसको ये जो इस वक्त टैप वाटर है ये काफ़ी सेलाइन काफ़ी ITDS का हार्ड वाटर है, उसके बावजूद हम इसको देख लेते हैं कि इसकी क्लीनिंग कैसी हो रही है इस पर। पहले जाग इसकी बना लें, पानी बंद कर दें, पानी बंद कर दें। जी अब इसमें पानी अप्लाई करें फाइनल।
अगर इसमें इसको डिप करके हम छोड़ देते हैं, जैसे किसी डिटर्जेंट में सर्फ वगैरह में हम डिप करके इसको छोड़ते हैं, तो फिर इसके रिजल्ट्स और ज़्यादा बेहतर होने थे। लेकिन आपको ये भी हम दिखा देते हैं कि चूँकि जो ये सफाई के लिए एक पुरानी बुनियान इस्तेमाल हो रही थी और वो इस वक्त कंप्लीट क्लीनिंग के बाद जाग भी अच्छी खासी इसने दी है। इंग्रेडिएंट की पूरी डिटेल सामने आ गई दोस्तों के। इसकी अक्सर दोस्त ये पूछ रहे होते हैं कि इसकी कॉस्ट क्या है, तो कॉस्ट हम इसलिए कैलकुलेट नहीं करते कि एक तो कॉस्ट चेंज होती रहती है, तो इतनी सी थोड़ी सी हम हमारी गुजारिश ये है कि क्वांटिटीज़ हमने दे दी होती हैं और उनकी अपने शहर से अपने नज़दीकी किसी भी केमिकल सप्लायर से आप उसका रेट ले लें और रेट ले के तो आप उसकी कॉस्ट जो है वो मालूम कर सकते हैं। जी अब दिखाएं इसको जी। जी ये आपको हमने टोटल दिखा देना था कि इस वक्त इसने नॉन फॉस्फेट पे भी डिटर्जेंट बनाए जा सकते हैं और रिजल्ट फॉस्फेट फ्री डिटर्जेंट। आपको उसकी क्लीनिंग भी हमने दिखा दी और इसको प्रमोट किया जा सकता है। और चूँकि हम एक ऑर्गेनिक चीज़ डिटर्जेंट में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसको अच्छी पैकिंग में अच्छी प्राइसिंग में इसको प्रमोट किया जा सकता है। बस आज तक के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट केमिकल की डिस्क्रिप्शन के साथ, किसी नए बिज़नेस आइडिया के साथ इंशाल्लाह हम हाज़िर होंगे। बस दुआए कि अल्लाह पाक आसानी वाला मामला फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।